मीडिया की बाप की औकात है कि एक दिन चर्चा कर लेता बिठा के? मोदी जी मुंह से कह रहे कि वो कंटिन्यू रहेगा। अरे एमएसपी तो पहले ही आपको 50% उसको कम दे रहे हैं आप, उसके बाद कानून में लिखने में आप डर रहे हैं, तो आप पे विश्वास कौन करेगा? दूसरी बात, आपकी रेपुटेशन ऐसी हो चुकी है मोदी जी की, मोदी जी पे विश्वास करना कोई जनता आज डेट में नहीं चाहता। 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड ने जन्म लिया और वो पैदा किया गया कि कोई भी सवाल उठाता है सरकार पे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, आप किसी भी तरह का नाम दे दो। और आज फंडिंग पे क्वेश्चन उठ रहा है, वो अन्ना आंदोलन इस मौजूदा पार्टी को सत्ता में लाने का जड़ है। उस अन्ना आंदोलन में पूरी सब्जी कहां से बट रहा था? जब ये नेता इनके मौजूदा सरकार के जब प्याज के माला पहन के घूमते थे और पेट्रोल के और डीजल के दामों के नाम पे साइकिल पे जब रैलियां होती थी तो उस रैली में साइकिल का कौन फाइनेंसर था? किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। एम एस स्वामीनाथन जो 2006 में रिपोर्ट बनाया था, उन्होंने ये कहीं रिकमेंड नहीं किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे नया 3 कानून बना के लाएगी। पहली बात सुनते जाइए, आप इसको सीख के जाइए। इनका जो क्वेश्चन आज के डेट में रेज किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांटेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन रेज किया गया है इस गोदी मीडिया के द्वारा। बिल्कुल, मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है, 2014 से पहले मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी कितनी आंदोलन करती थी? इसका मैं लिस्ट आपको गिनवाना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, खैर उस पे नहीं जाते। मैं सिर्फ शुरू करता हूं अन्ना आंदोलन, जो आंदोलन इस मौजूदा पार्टी को सत्ता में लाने का जड़ है। उस अन्ना आंदोलन में पूरी सब्जी कहां से बट रहा था? कोई भी गोदी मीडिया एवर क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन किया आज तक? क्यों नहीं किया? जब ये नेता इनके मौजूदा सरकार के जब प्याज के माला पहन के घूमते थे और पेट्रोल के और डीजल के दामों के नाम पे साइकिल पे जब रैलियां होती थी तो उस रैली में साइकिल का कौन फाइनेंसर था? किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड ने जन्म लिया और वो पैदा किया गया कि कोई भी सवाल उठाता है सरकार पे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, आप किसी भी तरह का नाम दे दो। और आज फंडिंग पे क्वेश्चन उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये जो सिखों की सेवा है, गुरुद्वारा के अंदर में करोड़ों लोगों को रोटी खिलाई जाती है रोज़ अलग अलग जगहों पे, ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछा गया कि उस गुरुद्वारे में फंडिंग कहाँ से आती है? वो गुरुद्वारा जो लॉकडाउन के टाइम में, वो सिख समाज जो लॉकडाउन के टाइम में लाखों लोगों को खाना खिला रहे थे जब ये सरकार फेल हो चुकी थी, अनप्लान्ड लॉकडाउन था, लोगों की जाने जा रही थी रोड पे, तब इसी गुरुद्वारा ने और सिख समाज ने लोगों की सेवा करी है, तब फंडिंग का क्वेश्चन क्यों नहीं उठा? नंबर टू सुनते जाइए, आ जाओ। क्या आज जो गोदी मीडिया फंडिंग पे क्वेश्चन कर रही है, यहाँ पे सिर्फ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सिर्फ किसान की एक ही जाति है किसान। इस किसानों की अगर आंकड़ा पे आप जाएंगे तो इस सरकार का ही आंकड़ा है। मैं शुरू करता हूँ 1995 से लेकर के और आज की डेट में जब आप खड़े होकर मेरे से बात कर रहे हैं, 2020 तक में कितने किसानों की जाने गई हैं? 4 लाख किसानों की जाने गई है, ये ऑथेंटिकेटेड आंकड़ा है। और अनऑफिशियली 8 लाख किसानों ने सुसाइड किया, टोटल अगर हम जान लें कृषि और कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों ने। क्या इस गोदी मीडिया की बाप की औकात है कि एक दिन चर्चा कर लेता बिठा के? किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं चर्चा कर लेता? अन्ना आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई थी? एक की भी रिपोर्ट नहीं है। इस आंदोलन में 70 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इस गोदी मीडिया ने एक बार ये सवाल उठाया कि आखिर ये किसानों की जो मौत हुई है इसके जिम्मेवार कौन है? जिस किसान की मौत हुई है उस किसान के घर के हालात क्या हैं? कभी गोदी मीडिया ने झांक के देखा? किसान तो छोड़ दीजिए, पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके घर के क्या हालात है, बहुत सारी रिपोर्ट पड़ी हुई, उसमें मैं बहुत चीज़ें बोल चुका हूँ, उनके घर के हालात जाके देखिए। जब ये हमारे जवान शहीद हुए थे तो कितने बड़े बड़े प्रॉमिस और वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, और उन जवानों के घर के हालात क्या है जाके आप देखिए। ये सवाल, 15,400 किसान हर साल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से औसतन सुसाइड कर लेते हैं इसी भारत में, कृषि और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग जिसमें किसान भी हैं। क्या गोदी मीडिया ने एक प्रोग्राम किया बैठ के कि आज जो किसान ये रोड पे खड़े हैं किस वजह से खड़े हैं, एमएसपी के लिए क्यों खड़े हैं ये, और एमएसपी है क्या? ये जनता को समझना चाहिए कि अगर एमएसपी कहते हैं मोदी सरकार हमने लागू कर दिया है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दिया है,
कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, कितना झूठ बोलोगे? आप पे कोई विश्वास नहीं करता है, किसी को बहुत कम को पता होगा जितने ये घूम रहे हैं ना किसान आंदोलन में। जरूरी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है तो उसको सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है कि आपको लड़ाई लड़ना है वहां जाके। सबको ये पता नहीं होता कि कमांडर को जितना पता है उतना सैनिक को पता नहीं होगा, और जितना कमांडर को पता हो सकता है उससे ज्यादा जो उसको कमांड दे रहा है उसको पता हो। लेकिन एक किसान से उसके आप सकल देख के उस मुंह में माइक डाल दो, तीन बिल का नाम क्या? मैं आपसे पूछूं, रिपीट कर सकते हो आप तीन बिल का नाम? नहीं हो सकता है, नहीं हो, संभव नहीं है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स बिल, उसमें एम्पावरमेंट और प्लांट डिमांड, चार शब्द जोड़ दो मुंह टेढ़ा करके, एक किसान नाम नहीं बोल सकता, कठिन बना दिया। सुन लीजिए मेरी बात। दूसरा बिल का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस बिल 2020। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये तीन बिल का नाम फार्मर को अगर बोलिए पूछिए किसी नहीं पता उसको, लेकिन ये पता है हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि उसके कमांडर लड़ रहे हैं, उसको पता है कुछ ना कुछ गलत है इसलिए हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जब कानून बनने जा रहा था, ठीक है, तो कानून बनने से पहले आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की जो आज किया जा रहा है? मैं वही बात कर रहा हूँ, जो पंचायत आप आज लगा रहे हैं वो पंचायत पहले क्यों नहीं लगाई? नंबर टू चीज है, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, मैं रोज आता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ इन लोगों को समझाने के लिए। ये जो रिपोर्ट है ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट की समरी है। स्वामीनाथन ने, एम एस स्वामीनाथन जो 2006 में रिपोर्ट बनाया था, उन्होंने ये कहीं रिकमेंड नहीं किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नया तीन कानून बना के लाएगी। पहली बात सुनते जाइए, आप भी कुछ सीख के जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट में यहां मेरे पास है। दूसरी बात, स्वामीनाथन ने कहा था कि एग्जिस्टिंग जो एपीएमसी है, एपीएमसी क्या होता है किसी को फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा तो नहीं पता होगा शायद, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी जो चल रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है, उसमें सुधार की जरूरत है। ये सुधार कौन करेगा? ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी दी गई है उस कमेटी के रिकमेंडेशन में। ये केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है उसमें रिकमेंडेशन में है ही नहीं। ऐसे भी एग्रीकल्चर स्टेट का मुद्दा है। एक चीज और सुन लीजिए, कुछ सीख के जाइएगा, आप चलाइएगा नहीं चलाइएगा सीख के जाइए। अब उसमें तीन तरह से प्राइस की कैलकुलेशन की गई है, A2 plus FL, then C2, और स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है? जो किसान को MSP मिलना चाहिए वो C2 plus 50%। अब A2 क्या है? A2 है जो उनका इनपुट कॉस्ट है, खाद, बीज, केमिकल्स, जो कीटनाशक वो छिड़कते हैं, इस सब का इनपुट कॉस्ट A2 के अंदर में आता है, ठीक है। A2 plus FL, यानी कि अब ये जो कॉस्ट हुआ, और FL यानी कि फैमिली लेबर कॉस्ट, ये जब किसान खेत में जाता है तो खुद भी काम करता है, इनके बच्चे काम करते हैं, इनकी मिसेज काम करती है, इनका भाई काम करता है, उस लेबर का कैसे कॉस्ट करोगे तुम? तो कहा गया कि A2 plus FL। अब आ जाओ उसके बाद कहा C2। C2 यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस क्या है? आप एक व्यापार करते हैं, आप जब व्यापार करें किसी से आपने लोन लिया, अब आपने सामान बेचा तो लोन का जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका खर्चा भी तो उस सामान पे आप जोड़ोगे ना। तो इन्होंने जो खाद बीज के लिए कहीं से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, साहूकार से लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? उसी प्रोडक्ट पे जाएगा ना, उसको कहते हैं, स्वामीनाथन ने कहा C2 यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इनके पास खेत नहीं है, ये भूमिहीन है। अब इन्होंने इनका खेत लिया है, इन्होंने ठेके पे उस खेत का कुछ तो जो दे रहे हैं उसको, तो वो जो दे रहे हैं उसका कॉस्ट भी उस फसल पे जाएगा। तो स्वामीनाथन ने कैलकुलेट किया कि ताकि सब किसानों का भला हो, जो किसी से खेत लेके खेती करें उनका भी भला हो, जो अपना खेती करें उनका भी भला हो, तो उसको कहा उन्होंने C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जिसमें सब कुछ जोड़ दीजिए। C2 यानी कि सारा कॉस्ट आप अगर जोड़ दोगे उसके बाद प्लस 50%, ये स्वामीनाथन का रिपोर्ट कह रहा। मोदी सरकार कहते हैं कि हमने हम तो स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दिया। ये तो यही कह रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं ना, सीखते जाइए काम आएगा आपको आगे। बिल्कुल, मोदी सरकार ने सिर्फ C2 लागू किया है, कहते हैं कहने के नाम पे कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे धान का ले लीजिए, मान लीजिए 1880 रुपए पर क्विंटल उसका आज की डेट में MSP का रेट है, लेकिन 1880 जो रेट है उसके बावजूद किसान कितने बेच रहा है? कोई 900 में, कोई 800 में, कोई 600 में। 900 में वो बेच रहा है जिसका धान ठीक है, किसी का भीग गया तो उसको 600 भी मिल रहा है। अब आप एक बार बताइए, C2 प्लस 50% अगर जोड़ेंगे आप, तो अभी धान का रेट इनका क्या होना चाहिए? इसी रिपोर्ट के हिसाब से जो 2017-18 में सरकार ने MSP फिक्स किया है, अगर इनको MSP जो स्वामीनाथन के हिसाब से दिया जाता तो 1800 प्लस 900 2700 रुपया पर क्विंटल धान का रेट। नहीं पता इन किसानों को क्या चल रहा खेल,
2700 रुपए एमएसपी धान का होना चाहिए, जो कि 2017-18 के हिसाब से ही, और जो कमेटी है जिसने ये कॉस्ट कैलकुलेशन करी है उस कमेटी के ही रिकमेंडेशन के, जो सरकारी कमेटी है। तो क्या ये जो वार्ता चल रही है, जो वार्ता, हाँ, अब मोदी जी कहते हैं एमएसपी चालू रहेगा। मोदी जी, अगर एमएसपी चालू रहेगा, आप अगर नियत आपकी साफ है, जब आप बिल बना रहे थे तब बिल में रख देते कि एमएसपी विल बी कंटिन्यूड, है ये कानून के अंदर कह रहे हैं। और अगर कोई अगर एमएसपी पे नहीं खरीदता है तो उसको 1 करोड़ या 50 लाख का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी, प्लस किसानों को उस चीज का मुआवजा उसको देना पड़ेगा। किसान ये कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कानून में लिखिए आप। मोदी जी मुंह से कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा, अरे एमएसपी तो पहले ही आपको 50% उसको कम दे रहे हैं आप, उसके बाद कानून में लिखने में आप डर रहे हैं, तो आप पे विश्वास कौन करेगा? दूसरी बात, आपकी रिपोर्टेशन ऐसी हो चुकी है मोदी जी की, मोदी जी पे विश्वास करना कोई जनता आज डेट में नहीं चाहता, अंधभक्त को छोड़ करके, समझ रहे हैं।